तो भाई बहुत टाइम से डिमांड्स आ रही थी इस हेडफोन की, विंग्स वेडर 350। वाह, नाम भी बड़ा हटके है यार, तुम्हारे भाई की तरह जैसे आज हम हटके हो गए चिकने। नहीं, तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो ये एक वायरलेस गेमिंग हेडफोन है जिसे हम वायर्ड भी यूज कर सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे है। कुछ ऐसा है इसका बॉक्स, आगे पीछे हर जगह से देख सकते हो, साइड में कुछ फीचर्स मेंशन है। लेट्स ओपन इट। और ये अंदर बहुत सारा सामान आया है। तो एक आती अपनी यूजर मैनुअल, इसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है बटन्स की, स्क्रीनशॉट मार लेना भाई, काम आएगी। एक एक्सटेंडेड वारंटी का कार्ड और ऐसे इसको क्लेम की जा सकती है। एक अपनी यूएसबी टाइप सी चार्जिंग वाली केबल और एक हमें ऑक्स केबल भी मिलती है क्योंकि हेडफोन में ऑक्स का पोर्ट भी है। बताता हूँ आगे कि कैसे काम आएगा, फिलहाल गिर गया। हेडफोन की बात करते हैं। पहली बार मैं एक व्हाइट गेमिंग हेडफोन रिव्यू कर रहा हूँ, मतलब आज तक मैंने ब्लैक ही करे हैं सारे, व्हाइट अलग ही लग रहा है। देखो यार, कुछ भी कहो, व्हाइट कलर के हेडफोन में लुक बहुत जबरदस्त आती है, पर यार ये गंदा भी बहुत जल्दी होगा तो थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा तुम्हें। वैसे इसमें ब्लैक कलर भी आता है। तो हेडफोन का डिजाइन पहली लुक में काफी ज्यादा गदर गदर लग रहा है भाई। फ्रेम देख सकते हो, टॉप पर हमारा विंग्स की ब्रांडिंग के साथ आता है, ऊपर से लेके यहाँ पर नीचे तक भाई पूरी कुशनिंग कर रखी है बढ़िया वाली, और ये भी पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है। हेडफोन पूरा प्लास्टिक का है लेकिन ऐसे बना रखा है कि बहुत ही ज्यादा महंगा एकदम प्रीमियम हेडफोन हो जैसे। साइड में दोनों तरफ विंग्स की ब्रांडिंग है और इसके जो कुशन है इनको एडजस्ट नहीं कर सकते लेकिन लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं दोनों तरफ से, तो वो अपनी फिटिंग को एडजस्ट करने के लिए जैसे भी तुम्हारा मन करे। बाकी ये भी पूरा प्लास्टिक का फ्रेम है लेकिन मैट फिनिश के अंदर आता है तो काफी ज्यादा प्रीमियम लुक आती है भाई इसकी। एंड यहाँ पर ये अपना माइक दे रखा है लेफ्ट वाले ईयर कप पे, ऐसे खोल लो ऐसे बंद कर लो, फिट जाता है बढ़िया एकदम, पर ये सीधा ही रहता है, इसको एडजस्ट नहीं कर सकते एक ही डायरेक्शन में रहता है बिल्कुल। और नीचे में मिलता है एक टाइप सी पोर्ट और एक अपना ऑक्स का पोर्ट। राइट वाला ईयर कप बिल्कुल खाली है, इस पे कुछ नहीं है भाई। ऑन करते यहाँ पर देख सकते हो क्या मस्त मस्त आरजीबी आ जाती है हमारी दोनों तरफ। व्हाइट हेडफोन पर आरजीबी की एक अलग ही प्रीमियम लुक आती है, मैंने ये बहुत नोटिस करा भाई। बाकी कुशंस भी इसके बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर के आते हैं भाई, बट कुशंस का मटेरियल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है भाई, इतना सॉफ्ट है क्या ही बताऊं, मतलब ऐसे गद्दे है भाई मस्त वाले, स्लीप वेल से भी बढ़िया बहुत सॉफ्ट है, कुशनिंग काफी जबरदस्त करी हुई है। और डाला हुआ देख लो कैसी लुक मार रहा है, मतलब पाई पे सूट कर रहे हैं, नहीं यार हम व्हाइट टी शर्ट पहन के एकदम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं आज। कंफर्ट भी ओवरऑल सही है इसका, बस मुझे एक चीज थोड़ी सी अजीब लगी, मतलब इसकी अगर ईयर कप की थोड़ी लेफ्ट राइट एडजस्टमेंट होती तो बहुत ही ज्यादा सही रहता क्योंकि अभी ऐसे सीधा आ रहा है ये बिल्कुल, और ऐसे कान थोड़े से मेरे ऐसे तिरछे लग रहे हैं मुझे फेस की शेप के हिसाब से, तो वो एडजस्टमेंट एक अच्छा पॉइंट हो सकती थी। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम बाद यूज टू हो जाओगे तुम तो आदत हो जाएगी। और एक चीज की डालते के साथ ही ना एकदम बाहर की नॉइज कम हो जाती है, मतलब जो डालते ही नॉइज थोड़ी बहुत कैंसिल आउट होती है ना, वो इसकी काफी ज्यादा सही है। ANC नहीं है इसमें बट बाय डिफॉल्ट भी काफी ज्यादा अच्छा बाहर की आवाज कम कर देता है, तो उस मामले में फिटिंग अच्छी है इसकी। और हाँ, इसके ईयर कप्स काफी बड़े बड़े हैं वैसे तो, बट ये ओवर द ईयर नहीं कहूंगा मैं क्योंकि मतलब मुझे तो ओवर द ईयर नहीं लगा, मुझे ऑन द ईयर ही लगा क्योंकि कान मेरे पूरे अंदर तक नहीं ढकते इसके, थोड़े ऊपर ऊपर रहते हैं, पर ठीक है छोटे कान होंगे तो अंदर घुस जाएंगे। और वेट की बात करें तो 235 ग्राम्स का इसका वेट है। विंग्स ने पता नहीं क्यों 500 ग्राम मेंशन कर रखा है फ्लिपकार्ट पे, अलग ही नशे हो रहे हैं भाई। 250 ग्राम्स के नीचे वाले हेडफोन काफी ज्यादा सही रहते हैं, अगर तुम लॉन्ग यूसेज पे यूज करना चाहते हो इसे तो ऐसी कोई ज्यादा इरिटेशन नहीं होगी, भारी भारी नहीं लगता, वो चीज इसकी बहुत सही लगी मेरे को क्योंकि मैंने भी इसको 2-4-5 घंटे तक डाल के टेस्ट करा था। उससे ज्यादा डालोगे तो यार किसी भी हेडफोन में दिक्कत हो सकती है, बाकी कंफर्ट वाइज बहुत सही है ये। तो आरजीबी लुक सेटअप पर वैसे भी बहुत बढ़िया लगती है और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये जो वॉल्यूम के बीच में ऑन ऑफ वाला बटन है, इसको जब डबल टैप करो तो कलर चेंज हो जाता है आरजीबी का, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 नंबर पे ऑफ हो जाती है आरजीबी, और दोबारा ऑन करोगे तो फिर मल्टी कलर आरजीबी वाला इफेक्ट आएगा। 7 अलग अलग कलर्स के अंदर हमें ब्रीथिंग इफेक्ट के साथ आरजीबी मिलती है। एंड एक माइक म्यूट अनम्यूट का बटन भी है, इसको अगर डबल टैप करो गेम मोड ऑन हो जाता है इसका। 55 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी भी है इसके अंदर, आगे टेस्ट करेंगे। बाकी ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है इसके अंदर, कनेक्टिविटी काफी सीमलेस है इसकी, एकदम अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। और एक इसका हिडन फीचर ये है कि इसमें हमें डुअल पेयरिंग मिलती है, दो डिवाइस से एक साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप से या स्मार्टफोन से या जो भी तुम्हें मन करे। एंड वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट भी होती है, लाइक अगर तुम लैपटॉप पे कुछ देख रहे हो और अचानक से फोन आ गया तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे फोन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हिडन फीचर इसलिए है क्योंकि विंग्स ने कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा कि इसमें डुअल पेयरिंग दे रखी है, ये अलग ही नशे चल रहे हैं विंग्स के, मैं बता रहा हूं तुम्हें। यूजर मैनुअल में भी कहीं पर मेंशन नहीं कर रखा भाई। और बैटरी बैकअप विंग्स क्लेम कर रहा है कि 20 घंटे का इसके अंदर हमें मिलता है, जो कि ऑब्वियसली पूरा तो नहीं मिलेगा, मेरी टेस्टिंग के हिसाब से यू मान लो कि 16-17 आवर्स तक मिल जाएगा, बट अगर आरजीबी ऑन रखोगे पूरे टाइम तो फिर भाई 9-10 घंटे से ज्यादा का बैकअप नहीं मिलेगा।
मिला क्योंकि RGB भी भाई पूरी बैटरी पीती है इसकी। पर एक चीज मुझे मिसिंग लगी कि इसमें कोई बैटरी इंडिकेटर हमें नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट पता नहीं चलती बैटरी कितनी है। मोबाइल में अगर तुम्हारे दिखा रहा है तो ठीक है, पर इसको देख के पता नहीं चलती। यहाँ पर कुछ छेद तो दे रखे हैं पर ये खाली छेद है, इनमें बैटरी इंडिकेटर लगाया जा सकता था जो कि नहीं दिया। जैसे ही ऑक्स का पोर्ट हम इसका यूज करते हैं ना, RGB इसकी बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, जबकि मैंने इसको बंद नहीं करा। तो मे भी इसीलिए क्योंकि ऑक्स का पोर्ट लगाते ही बैटरी से ये ऑक्स वाले पोर्ट पे शिफ्ट हो जाता है, तो फिर RGB का जो कनेक्शन है वो काम नहीं करता होगा क्योंकि वो बैटरी पे कनेक्ट होगा, बैटरी काम करेगी नहीं। पता नहीं मतलब क्या सीन है, ऑक्स के साथ यूज करने पे RGB काम नहीं करेगी इसकी, ये है एक दिक्कत। तो अब जो आवाज आ रही है वो इसके माइक के थ्रू आ रही है, तो देख लेना कि कॉल क्वालिटी पे या फिर गेमिंग वेमिंग पे कैसी लगती है क्वालिटी। और वीडियो देखने मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, इसका माइक ऑक्स वाले पोर्ट से भी काम करेगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। बाकी साउंड के लिए इसमें 50mm के ड्राइवर दे रखे हैं, तो आवाज भी एक बार सुन ले भाई। नो डाउट ऐसे 50mm वाली ना फील तो दे रहा है यार ये हेडफोन। तो मोटा मोटा बताता हूँ, साउंड ऐसी है कि तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाएगा आराम से। लाउडनेस भी अच्छी खासी है, अगर फुल वॉल्यूम पे सुनते हो तो बिल्कुल एकदम तुम सुन पाओगे, टॉलरेटेबल है। अगर आदत है ज्यादा लाउड साउंड सुनने की, नहीं तो कम वॉल्यूम पे सुनोगे तो और भी बढ़िया है। बेस इसकी ना स्मूथ टाइप की है, मतलब बेस अच्छी खासी फील तो होती है, धूमधाम करता है ये गानों के हिसाब से, बट स्मूथ टाइप की है। ऐसे तुम्हें बिल्कुल थंप नहीं मिलेगा कि बिल्कुल वाइब्रेट कर दे कान को, हो सकता है कुछ गानों में कर भी दे क्योंकि कुछ गाने होते हैं ना ओवर बेसी, बट नॉर्मल किसी भी गाने में सुनोगे तुम्हें बैलेंस फील होगी, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, बिल्कुल एकदम जैसी होनी चाहिए वैसी फील आती है। एंड मिड्स और हाईज भी अच्छे है, मतलब ट्रेबल बहुत ज्यादा क्रिस्प भी नहीं है, ओवरऑल मतलब बेस के हिसाब से बैलेंस लगी मेरे को, मतलब गाने सुनोगे तो एंजॉय कर पाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल साउंड इसकी जबरदस्त है, बजट के हिसाब से तो बहुत सही साउंड है इसकी। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था बट अच्छी है। है ना, कुछ लोगों को लगता है कि ओक्स से ज्यादा अच्छी साउंड आती है इस हेडफोन के अंदर, मुझे ओक्स के साथ और ब्लूटूथ पे दोनों पे सेम आवाज लगी, कोई ऐसा कोई फर्क नहीं था। अब गेमिंग हेडफोन है तो मैंने इसे वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से गेम खेल करके देखा, टेस्ट करा, तो स्टीरियो सेपरेशन वगैरह बिल्कुल जबरदस्त आती है वायरलेस पे। ब्लूटूथ वाले मोड पे ऑब्वियसली तुम्हें लेटेंसी फील होगी, जबकि इसमें लो लेटेंसी दे रखी है तो उसे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा। एक बार पहले इसकी लेटेंसी देख लो कितनी आती है। तो मैंने इसमें जितने भी गेम खेले, मैंने इसको ओक्स वाले पोर्ट से भी लगा के गेम खेल के देखा और बिना उसके भी, तो ब्लूटूथ वाले मोड पे थोड़ी बहुत लेटेंसी तो फील होती है। अगर तुम कैजुअली खेलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मोबाइल वगैरह पे गेम खेलना है तो TWS वाला मजा दे देगा ये। और हेडफोन होने का एक फायदा है कि स्टीरियो सेपरेशन और मतलब फुटस्टेप्स वगैरह बिल्कुल एकदम क्लियर सुनाई देते हैं, ज्यादा अच्छे सुनाई देते कहने का मतलब। तो अगर तुम्हें हेडफोन वाली गेमिंग करना पसंद है तो वो ये बढ़िया करवा देगा। एंड ऑब्वियसली अगर ओक्स वाले पोर्ट के थ्रू गेम खेलते हो तो कोई लेटेंसी नहीं आती, गेमिंग के हिसाब से भी डेफिनेटली तुम इसे प्रेफर कर सकते हो। ई-स्पोर्ट्स और कैजुअल गेमर्स दोनों को सेटिस्फाई कर देगा ये, पर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल गेमिंग करते हो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ फीचर्स कम है इसमें, उस हिसाब से बजट के हिसाब से काफी सही लगेगा। तो कुछ 1600-1700 का इसका प्राइस चलता रहता है, लेटेस्ट प्राइस चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन से। तो इस प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स और जो मतलब इसके अंदर सारी चीजें डाल रखी है ना, वो मुझे काफी ज्यादा तगड़ी लगी। विंग्स के इतने ज्यादा हेडफोन आते नहीं है बट स्टिल इन्होंने काफी तगड़ा काम कर रखा है इस वाले पर्टिकुलर हेडफोन में। तो 2000 के नीचे अगर तुम्हारा बजट है तो इस हेडफोन को तुम डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हो, अगर तुम्हें वायरलेस और वायर्ड दोनों के मजे चाहिए तो। बाकी देख लेना भाई, डिसीजन तुम्हारा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। और मजा आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, हम मिलेंगे ऐसे किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।